पोकरण का जो मैटर हुआ है, तीन दिन तक हमारे करनी सैनिक उस बॉडी को लेकर के बैठे रहे। कल परिजन बोले हम तो अंतिम संस्कार करवाएंगे, हम तो आगे भी उस बॉडी को रखना चाहते थे और उन दरिंदों को उनके इंजाम तक पहुंचाना चाहते थे, उनको सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहते थे, अगर बाहर कहीं मिल जाए तो सीधे ऊपर पहुंचाना चाहते थे। पर उनके परिजन बोले कि नहीं, उनके परिजनों पर शासन प्रशासन ने, रिश्तेदारों ने दबाव बनाया तो अंतिम संस्कार करेंगे, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम तो लड़ने के लिए तैयार थे। और आगे भी जरूरत पड़ेगी, ये लॉकडाउन हटेगा तो इस मुकदमे में फिर प्रशासन की ईंट से ईंट बजा देंगे। ये 302 था, एक्सीडेंट नहीं था। जिस असत्य को लाइन हाजिर किया गया है, लाइन हाजिर करना कोई प्लेसमेंट नहीं है, उसको सस्पेंड किया जाए, 16 CC का नोटिस दिया जाए, FIR के अंदर 420 की है उसने, 420 का मुलजिम है वो, 302 में 120 का मुलजिम है वो असत्यो। मेरे देश के नौजवान साथियों, अगर पुलिस सही इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी तो हम इस मुकदमे को कोर्ट में ले जाएंगे, इस्तकासा दोबारा से कोर्ट में करेंगे, परिजनों को समझाएंगे और इस पोखरण मैटर को मांडवा गांव के आसपास के नजदीक के जितने भी भाई हैं, राजपूत हैं, क्षत्रिय हैं बाड़मेर के, उनसे आग्रह करना चाहता हूं, उनका भाई बुजुर्गों का बेटा होने के नाते, कि थाली बजाने से हत्या कर दी, बीजेपी नहीं बोले पर करनी सेना बोलेगी, सुखदेव सिंह गोगा मेडी बोलेगा और हर उस कमजोर वर्ग के लिए बोलेगा, सर्व समाज के लिए बोलेगा, उसको न्याय दिलाएंगे मेरे नौजवान साथियों।